हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं कर रही हूँ अपनी लिविंग रूम की क्लीनिंग। और ये कुछ 10-11 बजे का टाइम है जब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी। 10-10:30 का टाइम होगा क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ आई हूँ आज मैं। मेरा बेटे का सेकंड डे था, उसको भी स्कूल छोड़ के आई हूँ। फिर उसके आने के बाद ही ये जो जितने भी मैंने घर के काम हैं स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पहले मैं अपने 10 बजे तक जितने भी काम थे ना वो ख़त्म कर लेती थी। लेकिन अब क्या हो गया, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, मुझे बेटी को 8 बजे, बेटे को 9 बजे, तो फिर टाइम थोड़ा चेंज हो गया, तो घर का काम भी मेरा अब लेट होने लग गया है बच्चों की वजह से। सारा जो है घर का जो है टाइम टेबल सिस्टम है थोड़ा हिल गया, क्योंकि बेटी की तो जाती थी चलो मैं कर लेती थी, लेकिन अब बेटा भी जाने लग गया, उसको खिलाना, रेडी करना, टिफ़िन पैक करना, फिर उसको छोड़ के आना, फिर उसके बाद ही मैं सफाई कर सकती हूँ, क्योंकि उसी टाइम मेरा घर के काम करने का टाइम होता है, उसी टाइम उसके स्कूल का टाइम है। तो थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो जब तक वो जाते हैं तब तक मैं अपना घर का काम वगैरह करके नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, खाना भी रेडी कर लेती हूँ, जब आते हैं उनको खिला देती हूँ। तो ऐसा है, तो फर्स्ट अब फटाफट से जो मैं अपने लिविंग रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। बेडरूम मैंने क्लीन कर दिया है, ये वाला रूम है अब इसको क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धोऊंगी, और उसके बाद जो है आउटडोर क्लीनिंग करने के बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, नहाने चली जाऊँगी। सब्ज़ी बनी हुई है, रोटी बनानी है, जब बच्चे आएंगे तब बनाकर उनको मैं दे दूँगी। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन हो चुका है अब 2-3 दिन से। वैसे पहले सिर्फ फ़र्क इतना था, बेटा नहीं जाता था तो तब भी ऐसे था, थोड़ा जल्दी काम हो जाता था, लेकिन अभी यह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल जाता, मिलता थोड़ा थक जाती हूँ मैं। और आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी, फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे आप मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं प्रीतिक और ब्लॉग, इसको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर इस पर वीडियो डालूँ, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चैनल की वीडियो देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस पर कंटिन्यू वीडियोस डालती हूँ। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आपको पता चले कि मैंने वीडियो डाल दी है। तो प्लीज़ जो साथ में रेड कलर का घंटा उसे ज़रूर दबा दीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो फिर ही वीडियो बनाने का मन करता है। और लाइक का कोई भी पैसा नहीं है, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं, और बेल आइकन का भी कोई पैसा नहीं है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं इस पर भी कंटिन्यू वीडियो डालूं और बनी रहूं। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल पे सपोर्ट की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो बस यहाँ पर जो है इस रूम में जो है झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से, और थोड़े आप कपड़े वगैरह देख रहे हैं वो मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं, मैं वो बाद में करूँगी। मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा ये वाले काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद उठाकर कपड़े वगैरह कबर्ड में मैं रख दूँगी, सारा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पहले जो है झाड़ू वगैरह पोछा लगा दूँ, रूम साफ़ हो जाए तो ठीक है। ये बच्चों के धोने वाले कपड़े हैं, इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे, बेटी लेट हो रही थी तो उसने उतार टी शर्ट रखी, तो बस ऐसे ही है। तो बच्चों वाला घर है, बहुत से काम इधर उधर हो जाते हैं, तो बस ये फटाफट मैं पहले क्लीनिंग कर लूँ, घर साफ़ हो जाएगा ना, अपने आप को अच्छा लगता है और शांति सी मिल जाती है मुझे कि मैंने फाइनली घर साफ़ कर दिया। अगर फैला रहे तो फिर वो होता है कि कब क्लीन होगा, कब ख़त्म होगा, क्योंकि ये मुझे करना और एक ही दिन मैं मिस नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों वाला घर है, डेली सफाई क्लीनिंग ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि कभी कभार होता है ना हिम्मत ना हो तो चलो आज रहने दो, ऐसा नहीं होता है, मुझे करनी ही करनी है, तो ऐसा है। और आज मैं पहले बेटी को छोड़ के आई हूँ वॉक करके, फिर खुद गई हूँ, तो मैं इतना थक चुकी हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और घर पे जो है आने में जाने में इतना वक्त लग गया, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे। तो बस अभी जो है किचन वगैरह पड़ा हुआ है, वो भी बाद में क्लीन होगा, पहले मैंने सोचा रूम वगैरह झाड़ू लगा कर पोछा लगा दूँ एक बार, फिर जो है मैं किचन को क्लीन कर दूँगी, फिर बस नहाने जाना है और पूजा करनी, फिर मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लगती है तो बस आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो चलिए मैं आपको मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।